हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि सादे साइकिल के लिए सबसे बेस्ट टायर कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साइकिल टायर्स में नायलन टायर्स सबसे बेस्ट माने जाते हैं। नायलन टायर्स जल्दी पंक्चर नहीं होते, नायलन टायर्स दूसरे टायर्स के मुकाबले ज़्यादा चलते हैं। दोस्तों, आपको मार्केट में नायलन टायर्स की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। साइकिल मैकेनिक आपको एक से एक कंपनी के नायलन टायर्स दिखा देंगे। दोस्तों, जनरली जो नायलन टायर्स होते हैं इसमें नायलन होता है जो रबर के नीचे कवर्ड होता है। अंदर के नायलन केसिंग के थ्रेड्स को काउंट किया जाता है, थ्रेड्स पर इंचेस, जिसे TPI कहते हैं, यानी कि एक इंच की एरिया में नायलन के कितने थ्रेड्स हैं। नायलन टायर्स के TPI से टायर की मजबूती और ड्यूरेबिलिटी तय होती है। 60 TPI केसिंग का टायर अच्छा माना जाता है, थोड़ा भारी होता है और पंचर रेजिस्टेंट भी होता है। 120 TPI टायर हल्का होता है। अब क्योंकि नायलन टायर्स बाकी के टायर्स के मुकाबले थोड़े हेवी जरूर होते हैं और साइकिलिंग के लिए थोड़े सुस्त मनाते हैं, यानी कि अगर आप अपने साइकिल में नायलन टायर्स लगाते हैं तो आपके साइकिल चलाने की जो गति है थोड़ी सी धीमी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने साइकिल में नायलन टायर्स ना लगाएं। नायलन टायर्स पंक्चर प्रोटेक्शन के लिए नंबर 1 माने जाते हैं और नायलन टायर्स बाकी टायर्स के मुकाबले ज़्यादा दिन तक चलते हैं। साइकिल मैकेनिक को अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, नायलन टायर मत लो, वो भारी होता है, साइकिल का स्पीड कम हो जाएगा। अब सोचना और देखना हमें है कि हमें बार बार पंचर बनवाना अच्छा लगता है तो हम नायलन टायर्स नहीं लेंगे, या थोड़ी सी कम स्पीड में हमारा काम चल जाएगा तो हम नायलन टायर ही लेंगे। दोस्तों, अभी भी आपके मन में एक सवाल होगा कि कौन से कंपनी की नायलन टायर सबसे बेस्ट है। दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, रालको सुपर शक्ति 2000 की टायर और ट्यूब अपने सादे एटलस टाइप साइकिल्स के लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों, इसका साइज 28x1.5x1.75 है। इससे बेस्ट मेरे हिसाब से टायर और ट्यूब नहीं मिलेगा। अब मैं ये भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि रालको सुपर शक्ति 2000 टायर के जो ग्रिप्स हैं, इसकी थिकनेस यानी कि मोटाई इतनी ज्यादा है कि पंचर का कोई सवाल ही नहीं। 2 साल से मैं रालको सुपर शक्ति टायर एंड ट्यूब यूज कर रहा हूँ, अभी तक पंचर की कोई शिकायत नहीं। जबकि करण के लिए मैंने हीरो स्प्रिंट की 15,000 की साइकिल ली, ये हीरो स्प्रिंट 7वें दिन ही पंचर हो गई। अब हीरो स्प्रिंट साइकिल में हार्टेक्स कंपनी का टायर लगा हुआ है, ये भी नायलन का ही है। अब आप कहेंगे हार्टेक्स कंपनी का टायर बहुत अच्छा होता है। करण की जो दूसरी साइकिल है एडवेंचर की, इसमें वाइल्ड कैट का सबसे अच्छा वाला टायर लगाया हुआ है, ये भी हार्टेक्स का है, लेकिन ये भी कई बार पंचर हो चुकी है। लेकिन रालको सुपर शक्ति 2000 अभी तक पंचर नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि रालको सुपर शक्ति 2000 टायर की मैं इतनी बड़ाई क्यों कर रहा हूँ। रालको सुपर शक्ति टायर का जो ग्रिप है, इसके ग्रिप की जो डिजाइन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। ऊपर से टायर के रबर की थिकनेस इतनी ज्यादा है जो आपको पंचर से चिंता मुक्त रखती है। अगर कोई छोटी मोटी पिन चुभ भी जाए ना तो ट्यूब तक नहीं जा पाती है। अगर सेंटर के साइड से पिन जाती है तो वो साइड से निकल जाती है। रबर की थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि वो पिन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगी, इतना डिस्टेंस यहाँ रह जाता है। और रालको सुपर शक्ति 2000 टायर की एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वो है इस टायर की ग्रिप की डिजाइन। साइकिल का टायर अगर फ्लैट यानी कि चपटा होगा तो टायर का ज़्यादा एरिया ग्राउंड को टच करेगा, जो कि गलत है। टायर का ज़्यादा एरिया रोड को टच करने से टायर का रोड से फ्रिक्शन यानी घर्षण ज़्यादा होगा, स्पीड लॉस होगा और पंक्चर के चांसेस ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा फ्रिक्शन यानी घर्षण से टायर की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन रालको सुपर शक्ति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टायर का बहुत ही कम एरिया रोड को टच होता है। उसमें भी आप इसके ग्रिप्स देख सकते हैं, यहाँ देखिए, इतने से एरिया में सिर्फ इतना एरिया ही टच हो रहा है रोड को, यहाँ गैप रहता है, यहाँ गैप रहता है, यहाँ गैप रहता है। अब बात आती है ट्यूब की। अगर आप अपने साइकिल में रालको सुपर शक्ति 2000 टायर लगाते हैं तो ट्यूब भी रालको सुपर शक्ति 2000 का ही लगाइए। रालको सुपर शक्ति 2000 की जो ट्यूब है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की आती है। तो दोस्तों, अब मैं रालको सुपर शक्ति टायर को बाकी टायर से थोड़ा सा कंपेयर कर दूँ। तो वाइल्ड कैट टायर की ग्रिप देख लीजिए, जो कि हार्टेक्स कंपनी की है। टायर के साइड में इतना मोटा रबर दिया हुआ है, टायर के बीच में जो ग्रिप्स है उनके बीच में कितना गैप है देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ रबर ही नहीं है ज़्यादा। तो ट्यूब तो पंचर होगा ही, जब मान लीजिए यहाँ रबर ही नहीं है, कुछ जाएगा पिन तो ट्यूब तक चला जाएगा, पंचर हो जाएगा। ये मोटा यहाँ ग्रिप देके क्या फ़ायदा है साइड में। ये नायलन का टायर रह के भी पंचर प्रोटेक्शन कहाँ हुआ, जहाँ ज़रूरत है रबर का देने का वहाँ दिया ही नहीं हुआ है, साइड में इतना मोटा मोटा पीस दिया हुआ है रबर का, इसकी क्या ज़रूरत है साइड में।
तो इसके ग्रिप के गलत डिजाइन के वजह से ये पंचर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। और ये हीरो स्प्रिंट साइकिल के हार्टेस्ट कंपनी की टायर है, इसको भी देख लेते हैं। इसके भी जो रबर के जो ग्रिप्स है इनके बीच में भी देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं, इसलिए भी आसानी से पंचर हो जाएगी। दोस्तों मैंने अपने साइकिल में काफ़ी सारे टायर्स और ट्यूब्स यूज़ करके देख लिया, अच्छे से अच्छे कंपनी का नायलन टायर यूज करके देख लिया, लेकिन राल्को सुपर शक्ति 2000 से बेस्ट मुझे कोई दूसरा टायर और ट्यूब नहीं लगा। इसलिए क्योंकि अपने सादे साइकिल में राल्को सुपर शक्ति 2000 टायर और ट्यूब लगाने के बाद मुझे कभी पंचर ही नहीं बनवाना पड़ा, इसलिए मुझे दूसरे कंपनी का नायलन टायर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों एक बार अगर आप राल्को सुपर शक्ति टायर और ट्यूब अपने सादे एटलस टफ साइकिल्स में लगा लेते हैं तो आपको टायर और ट्यूब बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पंचर बनवाने के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। राल्को सुपर शक्ति 2000 टायर एंड ट्यूब ट्यूबलेस टायर से भी बेस्ट है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।